मनरेगा कानून के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मगर बड़े अफसोस की बात है बस्ती जिले के दुबोलिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमरा मुस्तहकम में 5 वर्षों से इश्तियाक अहमद सहित 70 मजदूर परिवारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं विनय कुमार, यह है मेरा समुदाय। आपका जॉब कार्ड है? माँ के नाम से है, उस जॉब कार्ड से मैंने काम किया हूँ। अरे करोगे, 5 साल हो गए नरेगा में काम किया हूँ। एक बंदे के ऊपर जब बंधक बाढ़ आई थी, उस समय कटा हुआ बंधक कट रहा था, उसी समय मैं काम किया हूँ। हाँ, उसके बाद DM साहब आए थे, 2-4-10 गाड़ियाँ आई थी। DM साहब बोले आप लोग काम करो, काम का पैसा मिलेगा, आप चिंता न किया जाए। उसके बाद वो लोग कह के चले गए। फिर हमने काम किया, जम के रात दिन मिला के किए, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। हमने किया कुल मिला जुला के 35 दिन काम, दिन रात मिला के। हमारे साथ में कम से कम लेते 25-30 आदमी थे लोग काम करने वाले, लेकिन अभी किसी को मिला किसी को नहीं मिला है। प्रधान से रिक्वेस्ट किया, चाचा पैसा दिला दो, बोले कि ठीक है दिला देंगे। अब कुछ लोग को दिलाए, कुछ लोग को नहीं दिलाए। जब इनकी प्रधानी खत्म हुई तो नए प्रधान के ऊपर पहुंच गया। नया प्रधान बोलता हमारे पास पैसे ही नहीं है, बजट में आया नहीं, जिसके पास काम किया उससे मांगो। तो मांग मांग के थक गए हम लोग, परेशान हो गए, दबा दिए, क्या करें। अब फुल एप्लीकेशन डाला गया तो एप्लीकेशन गया नहीं, पहुँचा नहीं वहाँ, तब तो करें क्या। हमारे यहाँ जो काम हुआ है उनका भुगतान हो चुका है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है। नहीं तो ये जो पैसा अब काम किए होंगे उसका पैसा नहीं मिला होगा। नहीं तो 5 साल पहले की बात है कि आपके शासनकाल में इन लोगों ने काम किया। नहीं तो हमारे शासनकाल में जो काम किए हैं उनका भुगतान हो चुका है। जो हम इलेक्शन हार गए हैं, राजा राम प्रधान हुए हैं जी, वो पैसा निकाल करके सबको दिए हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है। हाँ तो लोग बता रहे हैं, अब उनके बताने से और मास्टर रोल के हिसाब से वो सब मिलान जब होगा तभी तो होगा। ये प्रकरण जो लेबरों की मजदूरी की है, नरेगा का पेमेंट है, पूर्व प्रधान के कार्यकाल में जो भी काम कराया गया था सारी की सारी मजदूरी उन लेबरों को पेमेंट कर दिया गया, और अन्यथा उसके बावजूद जो लेबर चिल्ला रहे हैं कि मेरी मजदूरी नहीं बची है, वो लोग जो है अपने अवैध तरीके से चिल्ला रहे हैं, हा? और उनकी मजदूरी, कोई मजदूरी बकाया नहीं है। एक चीज बताएंगे, जैसे कि जो मजदूरी एस्टीमेट आपको मिला था वो एस्टीमेट कितने का था? वह एस्टीमेट हमको देखना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा एस्टीमेट कितना काम हुआ है, कितने काम का मजदूरी पेट किया गया है, वह पूर्व प्रधान ही बता सकता है या तो जे ही बता सकता है। अब इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी लेना है तो वह पूर्व प्रधान के कार्यकाल का काम है, पूर्व प्रधान से ही लिया जाए। मैं चाहता हूँ इन मजदूर परिवारों का जल्द से जल्द भुगतान हो, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि दुबोलिया ब्लॉक के वीडियो, जिनका मोबाइल नंबर है 9454-4437-30 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि समस्या का समाधान हो सके। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।